खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से है, जहां फायर ब्रांड नेता सांसद साक्षी महाराज के 68वें जन्मदिन शहर के कब्बा खेड़ा स्थित अरोड़ा रिजॉर्ट में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सांसद साक्षी महाराज के जन्मदिन के अवसर पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि 500 वर्षों के बाद श्री राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है। राम मंदिर के निर्माण में केशव प्रसाद मौर्य और साक्षी महाराज जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एवं 2024 के लोकसभा के चुनावों में साक्षी महाराज को दोबारा जीत दिलाकर यूपी में 80 सीटें जीतकर फिर से केंद्र में मोदी जी की सरकार बनाएंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उन्नाव के हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद साक्षी महाराज ने रिकॉर्ड मतों से आप सबके समर्थन से आप सबके सहयोग से विजय प्राप्त की। पूज्य साक्षी जी महाराज को मैं अपनी ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से, प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से 12 जनवरी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और उनका प्रणाम करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि महाराज जी को स्वस्थ रखें। हमारे उन्नाव के लोकप्रिय सांसद पूज्य साक्षी जी महाराज का जन्मदिन है। जन्मदिन पर मैं अपनी ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से, प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान से प्रार्थना है कि आप सदा स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और हम सबको अपना आशीर्वाद इसी प्रकार प्रदान करते रहें। कार सेवकों पर, राम भक्तों पर लाठी चलाने वाले, गोली चलाने वाले, जेल भेजने वाले सत्ता से बेदखल हो गए हैं, अब कभी सत्ता में वापस नहीं आएंगे। अखिलेश यादव जी के बारे में मैं यही कहूँगा कि वह उस परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिसके मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव जी के मुख्यमंत्री रहते हुए राम भक्तों पर गोली चलाई गई थी। उनको प्रायश्चित करने का मौका था रामलला के जन्म स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होकर के, लेकिन उनको शायद यह नहीं भाया है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें। पीडीए, उनका पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। उनका पीडीए का मतलब पिछड़ा और दलित अथवा अल्पसंख्यक नहीं है, इसलिए ऐसे पीडीए का कोई मतलब नहीं रह जाता। वैसे भी सपा, बसपा, कांग्रेस, इन सबका कोई भविष्य नहीं है। यूपी की 80 की 80 लोकसभा सीटें हम लोग जीतेंगे, अच्छा है। हम तो यही तो कहते हैं, राम सबके थे, सबके हैं, सबके रहेंगे, लेकिन उनके नेता, उनके अध्यक्ष वो सब कह रहे हैं हम प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में ही नहीं जाएंगे। हम इतना ही कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी हो, चाहे उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता हो, उनकी सुरक्षा के प्रति हमारी सरकार संकल्पित है। समाजवादी पार्टी का चरित्र गुंडागर्दी का रहा है, अपराधियों के साथ रहने का रहा है, दंगाइयों के साथ रहने का रहा है, माफियाओं के साथ रहने का रहा है। भाजपा सुशासन और विकास की गारंटी है मोदी जी के नेतृत्व में। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।